तो ये पैनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आईसी निकाला था हमने, तो वहाँ पे पट्टा आ गया है। ये यूनिवर्सल पैनल टेस्टर के ऊपर पैनल लगा के हमने चेक किया है। तो ये जो आईसी हमने टेप लगा के रेडी रख किया है, उसको बॉन्डिंग करते हैं। ये हमारा KD891 LI मॉडल है बॉन्डिंग मशीन का, जिसमें हमने ये सारे फंक्शंस जो है डाले हुए हैं, जिसमें ये प्रोफाइल सिलेक्शन है। यहाँ पे आप कौन सा प्रोफाइल सिलेक्ट है वो आप देख सकते हैं। अभी 1 नंबर का प्रोफाइल सिलेक्ट है। इसमें अलग अलग प्रोफाइल हमने डाले हुए, जैसे कि ओल्ड स्पेशियल जो है वो, उसका डेटा आप अंदर जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये सब टेम्परेचर कितना है, टाइमिंग कितना है, वो सब यहाँ पे डाला होता है। आप इसमें पुराना आईसी, अलग अलग आईसी सिलेक्ट, आईसी के हिसाब से आप प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कोई पुराना आईसी आप यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेशल केस में आप ये अलग से प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 3रे नंबर का प्रोफाइल है, जो कि बड़ी आईसी के लिए है, बिग कॉफ के लिए है। तो जब आप बड़ी आईसी बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोफाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रोफाइल्स आप इसमें कोई भी डेटा डाल सकते हैं। ऐसे 10 प्रोफाइल इसमें डाले हुए हैं, तो आप 10 अलग अलग तरह के प्रोफाइल इसमें सेट कर सकते हैं। तो जो प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट होगा, 1 नंबर का अभी स्टैंडर्ड प्रोफाइल, जो कि ज़्यादातर केस में ये प्रोफाइल चलता है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाएगा, अभी का करंट टेम्परेचर 29 है। तो यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर कंट्रोलर पे टेम्परेचर दिखाएगा। ये सारे प्रेशर्स है, ये टोटल प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड प्रेशर, बॉन्डिंग प्रेशर है। तो अब ये मशीन के ऊपर हम बॉन्डिंग करके देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल को क्लीन करना है। पैनल को भी क्लीन करना है। इसके बाद में उसको क्रिस्टल के ऊपर सेट करना है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्डिंग एरिया जो है वो हमने यहाँ पे मार्क बनाया हुआ है, उसके एग्जैक्टली सेंटर में उसको सेट किया है प्रॉपरली। तो ये पैनल सेट हो गया। अब आईसी जो है यहाँ क्लिप में लगाते हैं। अगर उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो सीधा कर लेते हैं पहले आईसी को, और उसको पैनल के ऊपर सेट करते हैं। ये कॉफ फिक्चर है, आप कॉफ आईसी को इसमें यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से रोटेशन होगा और ये साइड वाले नॉब से लेफ्ट राइट होगा। तो ये पूरे फिक्चर से आपको आईसी सेट कर लेनी है। पहले ऐसे अप्रोक्सली मैंने वहां पे सेट कर दिया है। अब ये जो इंसुलेशन लगा हुआ है उसको हटा देंगे और वापस पैनल के ऊपर डालेंगे। अब स्क्रीन के ऊपर सब दिखेगा, आईसी कहाँ पे है वो। प्रोटेक्शन के लिए ये टेफलम टेप बीच में रखना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हेड कभी नीचे नहीं गिराना है। ये जो मूव हो रहा है वो सब कॉफ आईसी है, तो इसको ग्लास के ट्रैक के साथ मिलाना रहता है। ये जो मार्क है वो कॉफ आईसी का मार्क है, ये मार्क जो है वो ग्लास का मार्क है। तो वो दोनों को ऐसे मिलाना रहता है, दोनों तरफ इक्वली पोजीशन पे उसको एक लेवल पे सेट करना जरूरी है। दोनों एक लेवल पे कर देना है,
उसके बाद में ट्रैक मैचिंग करना है। तो ट्रैक जो है वो पहले से थोड़ा आउट ही रहेगा, क्योंकि ट्रैक टू ट्रैक नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक कॉफ आईसी जो है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही थोड़ी सिकुड़ी हुई होती है, बॉन्डिंग होने के बाद वो फैलती है थोड़ी, और फैल के अपने आप वो ट्रैक पे आ जाती है। तो हमें उसको दोनों तरफ इक्वल पोजिशन पे ऐसे सेट कर देना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इक्वल पोजिशन पे अंदर है थोड़े थोड़े ट्रैक। तो वो सेट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको प्री बॉन्डिंग देंगे, मतलब कि डायरेक्ट फाइनल बॉन्डिंग नहीं देना है, क्योंकि अगर फाइनल बॉन्डिंग दे दिया और अगर सही से ट्रैक नहीं मिले तो आपका बॉन्डिंग फेल हो सकता है, क्योंकि हेड गिरने के बाद कभी आईसी जो है वो सीधी होने के बाद आपको ट्रैक आउट दिखेगी। तो हम पहले हेड ऐसे ही नीचे गिरा के देखते हैं, ये हेड नीचे गिराया, अभी खाली जस्ट हेड नीचे गिराया है, कोई हिटिंग नहीं दिया है, और ऐसे ही हेड को वापस उठा लेते हैं। ये खाली हमने आईसी के ऊपर हल्का सा प्रेशर दिया है, उसको सीधा कर दिया आईसी को। तो उसके बाद में चेक करना है कि कोई ट्रैक जो है वो दोनों तरफ इक्वल पोजिशन पे है कि नहीं है। तो हमें दिख रहा है यहाँ से थोड़ा ट्रैक अंदर की साइड में ज्यादा है, यहाँ पे ट्रैक टूट रहे थे, तो हम आयरन से इसको सेट कर सकते हैं, टी आयरन से। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट फाइनल बॉन्डिंग दे दिया तो बॉन्डिंग फेल हो सकता है, क्योंकि जब भी पुराना आईसी यूज करते हैं तब ये खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि पुरानी आईसी में मुड़ी हुई कभी कभी होती है, तो प्रेस होने के बाद वो सीधा होने की वजह से ट्रैक थोड़े आउट दिखते हैं। तो ऐसे आयरन घुमाने के बाद हम वापस इसको चेक करेंगे कि सब सही है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अभी दोनों तरफ से इक्वल पोजिशन पे ट्रैक अंदर है। तो अब हम प्री बॉन्डिंग देंगे, ये प्री बॉन्डिंग का मोड सिलेक्ट किया और ये दोनों प्रेस बटन को, स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। तो टेम्परेचर 100 पे जाएगा और हेड नीचे आएगा, अब ये प्री बॉन्डिंग शुरू हो गया। ये प्री बॉन्डिंग के बाद अगेन चेक करना है कि ट्रैक दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पे होने चाहिए, जो कि बराबर है। तो अभी हम ग्लास, अभी प्री बॉन्डिंग हुआ, ये फाइनल बॉन्डिंग अब देंगे हम। ये ग्लास मोड सिलेक्ट किया क्योंकि हम ग्लास साइड बॉन्डिंग कर रहे हैं इसलिए, और ये दोनों स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। अगेन हेड जो है वो एक टेम्परेचर पे जाएगा और फिर नीचे आएगा और बॉन्डिंग शुरू होगा। ग्लास साइड का बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक टू ट्रैक एग्जैक्टली मिला हुआ है सब। अंदर जाके भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ चेक कर लो, ये सब ट्रैक एक दूसरे से मिले हुए हैं प्रॉपरली। तो ये ग्लास साइड का बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, अब पीसीबी साइड का बॉन्डिंग करेंगे। इसके लिए ये क्लिप को ऐसे दबा के हटा देना है, यहाँ पे पीसीबी को क्लीन करना है पहले कपड़े से। और ये इंसुलेशन हटा दिया और ये मैग्नीफायर से देख के पहले ट्रैक मिला लेने हैं। ट्रैक मिला के एक बार चेक कर लेना है कि सारे ट्रैक बराबर होने चाहिए, और उसको टी आयरन से हीट कर दो।
और उसको क्रिस्टल के ऊपर लेके आएंगे और हेड को मैन्युअली नीचे गिरा के पैनल को सेट करेंगे। ये जहां पे हेड आ रहा है वहीं पे पैनल का जो पीसीबी का बॉन्डिंग एरिया है वो सेट करना है। तो अभी हमने जहां पे वो बॉन्डिंग एरिया था वहीं पे हेड को ऐसे सेट किया है। फिर हेड को उठा लेना है और वहां पे ये सिलिकॉन टेप रखना है पीसीबी साइड में। यहां पे पीसीबी मोड सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि अभी हम पीसीबी साइड का बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो पीसीबी सिलेक्ट करके दोनों स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ का बॉन्डिंग ग्लास साइड का और पीसीबी साइड का कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पैनल टेस्टर के ऊपर चेक करेंगे। ये केबल लगा के अभी आप देख सकते हैं कि जहां पे वो व्हाइट पट्टा था वो पूरा हट गया और पहले के जैसा हो गया। सारे कलर्स चेक कर लेना है रेड ग्रीन ब्लू करके और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं सब बराबर है। ये जो राउंड है वो लिक्विड डैमेज है जो कि पैनल नॉट रिपेयरेबल है, वो ग्लास का इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें हम पिक्चर चेक कर सकते हैं कि जो पहले जैसा था वैसे का वैसा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे सारे कलर्स में भी हमने देख लिया। तो इस तरह से आप सक्सेसफुल बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर पूरे प्रोसेस में क्लीनिंग का सही से ध्यान रखा गया है तो आपका बॉन्डिंग 100% सक्सेसफुल होगा।